हेलो गाइज, प्रतिज्ञा कंपटीशन डाटा या यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज नंबर सिस्टम का हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला कंसेप्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है, यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो पहले का मतलब मान लीजिए कि संख्या मेरा है, संख्या में 121 से भाग दे तो शेषफल कितना आ गया, 25। पहले तो संख्या हमको पता नहीं है और इस संख्या में हमको 121 से भाग देना है, शेषफल 25 आ रहा है। अगर किसी भी संख्या में से हम 25 अगर शेषफल घटा देते हैं तो संख्या जो है 121 से कंप्लीटली कट जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर संख्या दिया हुआ है, अगर इसमें से हम 25 घटा दे, शेषफल घटा दे, तो जो संख्या हमको यहाँ पर प्राप्त होगा वो संख्या 121 से सियोर कट जाएगा। और एक बात याद रखना है कि जो संख्या 121 से कटता है वो संख्या उसका फैक्टर से जरूर कटेगा। जैसे जो संख्या 8 से कटता है वो संख्या 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। तो जब भी आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर उसका फैक्टर दिया रहेगा, जैसे कहेगा आप लोग से कि अगर जिस किसी संख्या में अगर 121 से भाग देते हैं तो शेषफल 25 आता है, तो अगर हम उस संख्या में 11 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस संख्या में से अगर हम 25 घटा दे तो एक या जो यहाँ पर हमको प्राप्त होगा वो 121 से कट जाएगा, और जो संख्या 121 से कट जाएगा वो संख्या 11 से भी श्योर कटेगा। तो हम लोग करते क्या है कि इस स्थिति में डायरेक्ट रिमाइंडर में हम लोग भाग देकर आंसर प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर के छोड़कर अगर हम रिमाइंडर को छोड़ दें तो संख्या 121 से कट जाएगा, और जो संख्या 121 से कट जाएगा वो 11 से कटेगा ही कटेगा, क्योंकि 11 क्या है, 121 का फैक्टर है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे कि रिमाइंडर में 25 में 11 से भाग दे देंगे, 11 दूनी के 22, तो हमको शेष मिल जाएगा 3। अगर हमको यहाँ पर बोलता कि अगर उसी संख्या में 12 से भाग दी जाए तो शेषफल क्या होगा, तो 12 चूंकि 121 का फैक्टर नहीं है, और जब फैक्टर नहीं रहेगा तो जब हम लोग बात करें अगर 25 को छोड़कर, शेष को छोड़कर 121 ही तो कट जाएगा, लेकिन वो संख्या 12 से कट जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जब यहाँ पर फैक्टर हमको नहीं दिया रहेगा तो डायरेक्ट हम शेष में भाग देकर आंसर नहीं बताएंगे, और उस स्थिति में जवाब होगा कैनोट बी डिटरमाइन। मतलब हम लोग चेक करेंगे कि उसका फैक्टर, अगर यहाँ पर हमको फैक्टर जैसे मिला डायरेक्ट हम शेष में भाग देकर आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो हम 25 में भाग दिए 11 से, तो हमको आंसर आया 3, और इस प्रकार जो ऑप्शन ए में है जो 3 आंसर हुआ। दूसरा, जब किसी संख्या को 56 से भाग दे तो शेष 29 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या में 8 से भाग दे तो शेष क्या होगा। देखिए यहाँ पर संख्या हमको पता नहीं है, इसमें 56 से भाग दिया था, शेष मेरा 29 आया, कह रहा कि यदि हम इसी में 8 से भाग दे, तो देखिए ये 8 जो है 56 का फैक्टर है, तो डायरेक्ट हम 8 से यहाँ पर भाग दे लेंगे, 29 भागे 8, 8 तरीके 24, शेष आ गया 5, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तब हम लोग देखिए जल्दी से बनाएंगे, 52 में हम लोग 52 से भाग देते तो 45 शेष आता है, यदि उसी संख्या को 13 से भाग दे तो 13 जो देखिए 52 का फैक्टर है, तो डायरेक्ट हम लोग 13 से इसमें भाग दे लेंगे, 33 39, शेष हम लोग को बच जाए कितना, 6 आ जाएगा, और जो ऑप्शन नंबर सी में है कि संख्या को 27 से भाग दिया जाए तो शेष 19 बचता है, यदि उसी संख्या को 8 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा। तो देखिए यहाँ पर 27 का, जैसे कि 27 जो है 8 जो है 27 का फैक्टर नहीं है, 8 जो है 27 का फैक्टर नहीं है, इस स्थिति में हम लोग 8 से डायरेक्ट 19 में भाग देकर शेष नहीं बताएंगे। होता क्या है कि 19 भागे हम लोग 8 कर देते हैं 16, और शेष 3 करके यहाँ पर पहले ऑप्शन में कर देते हैं, गलत हो जाता है। चूंकि 8 27 का फैक्टर नहीं है इसलिए डायरेक्ट हम लोग रिमाइंडर में भाग नहीं देंगे, और इस स्थिति में हम लोग क्या बोलेंगे, आंसर कैनोट बी डिटरमाइन, क्लियर हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते कि आंसर क्या होगा, आंसर बार बार वैरीज करेगा। कंसेप्ट टू, दूसरा कंसेप्ट है कि किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, तो उसी संख्या को वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा।
हमको सबसे पहले संख्या हमको पता नहीं है, किसी संख्या हमको पता है नहीं है। संख्या में भाग देना है 6 से, शेष कितना आ रहा है 3। अब आपसे बोल रहा है कि यदि उसकी उसी संख्या को वर्ग में, संख्या पता है नहीं, अब इसके वर्ग में हमको भाग देना है कितना से, इसी 6 से। तो जब भी हमको वर्ग कह के भाग दे या घन कह के शेष मांगे या पावर 4 करके कहेगा या डबल करके या ट्रिपल करके शेष मांगेगा तो कुछ नहीं करना रहता, रिमाइंडर को जैसे कहता है रिमाइंडर के साथ हम लोग वैसा ही ट्रीट करते हैं। तो कह रहे हैं उसी संख्या के वर्ग को, तो चुपचाप हम लोग शेष फल को ही वर्ग कर देते हैं। तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, और हम लोग डायरेक्ट 9 में भाग देकर शेष निकाल लेते हैं। चूंकि यहाँ पर वर्ग कहा था तो हम शेष को वर्ग कर दिए, अगर यहाँ पर घन कहा था तो शेष फल को हम घन कर लेते, अगर यहाँ पर पावर 4 कहा था तो हम पावर 4 करके निकाल लेते। अब यही इसी 9 में हम लोग भाग देते हैं कितना से, 6 से, और यहाँ हो जाएगा 6 एकम 6, और यहाँ पर शेष आ जाएगा हम लोग को 3, जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। 6 क्वेश्चन कहता है कि संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है, यदि उसी संख्या के घन को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। देखिए यहां पर शेषफल 5 आया है, अब उसी संख्या के घन की बात कहा तो घन बोला, तो अब वही शेष को हम लोग घन कर देंगे 5 के क्यूब, और ये हो जाएगा 125, और अब हम लोग 125 में 8 से भाग देकर शेष निकाल लेंगे। 8 आएगा यहाँ पर 4, 8 25 40, और उस स्थिति में हम लोग का शेष आ जाएगा 5, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। कह रहा है कि यदि n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, तब अनुसार 2n, देखिए n को यहाँ पर डबल कर दिया, जो भी संख्या दिया हुआ था उसको डबल करके 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो शेषफल कितना था, शेषफल मेरा 3 था, चूंकि संख्या को 2n कर दिया, डबल कर दिया, तो हम लोग भी शेष फल को डबल कर देंगे, 3 दुनी के 6, और अब हम लोग इसमें अगर यह संख्या को 3 गुना करता तो शेष फल के हम 3 गुना में भाग करके आंसर बता देते, अगर हमको संख्या का 5 गुना करता तो शेष फल का हम 5 गुना करके और फिर 4 से भाग देके बताते, चूंकि दुगुना किया है तो जो भी शेष दिया था उसको दुगुना कर लिए, और 6, और 6 में हम लोग अब 4 से भाग देंगे, और 4 एकम 4, और यहां पर आ जाएगा मेरा शेष 2, और जो ऑप्शन नंबर डी में है। गुने इतना का में अगर हम लोग 9 से डिवाइड करें तो शेषफल ज्ञात करें कि शेषफल क्या होगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना रहता है, इस 9 से पहले हम लोग इसमें भाग देते हैं, भाग देने के बाद जो शेष आता है सिर्फ हम लोग शेष को लिखते हैं। आप 9 से इसमें भाग देंगे तो शेष 7 आएगा, 9 से इसमें भाग देंगे तो शेष 8 आएगा, 9 से इसमें भाग देंगे तो शेष 2 आएगा। इसके बाद हम लोग इसको आपस में गुना कर लेंगे, 7 8 56 दुना होता है 112, और फिर 112 में हम लोग 9 से भाग देंगे तो हम लोग यहाँ से रिमाइंडर मिल जाएगा। 9 1 जा 9, आया हम लोग को बच गया 2, यहाँ पर 22, 9 2 जा 18, और बच जाएगा रिमाइंडर 4, और इस स्थिति में हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 9, ये भी देखिए कंसेप्ट बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट आप लोग को देने वाले हैं। देखिए वीडियो को अगर आप लोग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसमें हम ताकि हम लोग का मनोबल बढ़े, और हम रोज वीडियो में एक नया नया कंसेप्ट आप लोग को लेकर आते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी होता है। तो कह रहा है कि 2 के पावर 31 को 3 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये अच्छे अच्छों को पसीना छुड़ा देता है, लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए हम कितना ढंग से आप लोगों के सामने आज एक्सप्रेस करते हैं। ये सब क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया जाता है, इसको मिनिमाइज कर लिया जाता है। मिनिमाइज में होता क्या है, अगर हम लोग को मिनिमाइज में पावर के सिर्फ हम लोग देखते हैं, अगर पावर हम लोग को अगर ऑड रहेगा, पावर अगर हम लोग को ऑड रहेगा तो उसके जगह पर हम लोग एक लेकर सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, और पावर अगर हम लोग को इवेन रहेगा तो उसके जगह पर हम लोग 2 रहकर सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि ऑड सबसे छोटी ऑड नंबर 1 होता है, और इवेन सबसे छोटी इवेन नंबर 2 होता है। तो याद रखने का तरीका है, मिनिमाइज कर लेंगे प्रश्न को, ऑड रहेगा तो उसके जगह पर 1 रह के सवाल सॉल्व कर लेंगे, इवेन रहेगा तो उसके जगह पर हम लोग 2 रह के सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 2 के पावर 31 को 3 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखिए 2 के पावर 31, अब बताइए 31 मेरा ऑड है कि इवेन, तो 31 मेरा ऑड है। आराम से इस सवाल को हम लोग उस ऑड के जगह पर 1 रख लेंगे, तो 1 रखेंगे 2 के पावर 2 रह जाएगा। अब बताइए कि 2 में अगर हम लोग 3 से भाग दे,
दू में तीन से भाग दे तो शेष फल हम लोग को कितना रह जाएगा, यही दू बच जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। कह रहा कि 17 के पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या आएगा, 17 के पावर 200। दोस्तों ये पावर आपका क्या है, पावर आपका इवेन नंबर है। और मैंने आपको बताया कि मिनिमाइज में पावर इवेन रहेगा तो उसके जगह पर हम लोग दू लिख लेंगे, तो 17 के पावर कितना हो जाएगा, दू। और 17 के पावर दू हो जाता है कितना, 289। और इस 289 में हम लोग अब 18 से भाग देकर शेष आसानी से निकाल सकते हैं। 18 कम 18 10 आएगा, फिर इसके बाद 9, 18 6 78 से 108। और इस स्थिति में हम लोग को शेष मिल जाएगा 1, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, 9 to the power 6 - 11 को 8 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। 9 to the power 6 - 11 को 8 से भाग देंगे तो फिर वही बात, पावर मेरा क्या है, पावर इवेन है। जब इवेन पावर होगा तो उसके जगह पर क्या लिखना है, 2। तो 9 के पावर 2 - 11/8, 9 के पावर 2 क्या होगा, 81 - 11/8। जब इस सब्ट्रैक्ट होगा तो 17 आएगा, 17 / 8, 8 जो होता है 64। इस स्थिति में हमको रिमाइंडर मिलेगा 6, जो ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा कि 49 to the power 15 - 1 कंप्लीटली किससे डिविजिबल है, माने पूर्णतः किससे कट जाएगी। तो कुछ नहीं करना है, जैसे 49 के पावर 15 - 1 पावर ऑड है कि इवन, पावर मेरा ऑड है। जब भी पावर ऐड है तो उस ऑड के जगह पर मिनिमाइज करते समय हम लोग एक रख देंगे, तो हो जाएगा 49 के पावर 1 - 1। अभी 49 में से एक जाएगा तो 48। अब आप ऑप्शन से देकर बता सकते हैं कि 48 किस से कटेगा, तो 48 सिर्फ 8 से डिविजिबल है, 48 सिर्फ 8 से डिविजिबल है। और स्थिति में आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 7 to the power 19 + 2 को 6 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा। तो 7 की पावर क्या है 19 + 2, पावर आपका क्या है, ऑड है। पावर जब भी ऑड है तो उसके जगह पर 1 ले लेना है, तो 7 के पावर 1 हो जाएगा प्लस 2, तो 7 और 2 का हो जाएगा 9। अब आसानी से आप 9 में 6 से भाग देकर इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, तो 9 / 6, तो 1 टाइम जाएगा 6, और इस स्थिति में रिमाइंडर आएगा आपका 3, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका इंतजार कर रहा है। अब एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट लेकर आए आप लोगों को, कंसेप्ट इसमें दो ट्रिक है, ट्रिक 1 ट्रिक 2। कभी भी आप लोग देखेंगे तो एक जगह देखिए, नीचे वाला को बोलते हैं हम लोग डिनोमिनेटर और ऊपर वाला का बोलते हैं न्यूमरेटर। इस क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे तो यहां पर न्यूमरेटर जो है लेस देन है किस डिनोमिनेटर में, और इस याद रहे इस स्थिति में डिफरेंस कितना का है, 1 का है। यहां पर ए है तो ए माइनस 1 है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, पावर अगर इवेन रहेगा तो उस स्थिति में आंसर डायरेक्ट 1 बोल देना है, और पावर ऑड रहेगा तो उस स्थिति में सेम नंबर मतलब यहां वाला ए माइनस 1 ही रिमाइंडर हो जाएगा। दूसरा है कि ये देखिए आपका डिनोमिनेटर है, ये आपका न्यूमरेटर है। यहां पर आप देख रहे होंगे तो न्यूमरेटर बड़ा है किस से, डिनोमिनेटर से। अगर न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, और याद रहे डिफरेंस कितना का है, 1 का, देखिए यहां ए है और ये प्लस 1 है तो एक ही ना ज्यादा है, और उस स्थिति में पावर अगर दिया है n, तो पावर चाहे n ऑड हो चाहे इवेन हो, हमेशा आंसर ऑलवेज 1 आएगा, ऑलवेज 1 आएगा। जो हम नीचे प्रश्न से आसानी से इस कंसेप्ट को हम लोग क्लियर कर सकते हैं, जो प्रश्न नंबर 14 कहता है कि 67 to the power 67 + 67 को 68 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखिए सबसे पहले तो हम लोग 67 की पावर 67 + 67 / 68, तो इस पर हम लोग पहले बात करते हैं। पहले यहां पर देखेंगे तो पावर मेरा ऑड है कि इवेन है, पहले तो देखिए मेरा ये अलग रूल लागू हो रहा है, मेरा न्यूमरेटर जो है न्यूमरेटर छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। अंतर कितना का है, 1 का है। अंतर जब 1 का है, अगर ऑड है, देखिए यहां पर 67 क्या है मेरा, ऑड है, तो इस स्थिति में रिमाइंडर मेरा कितना होता है, सेम नंबर मतलब यही 67 होगा। तो यहां से तो रिमाइंडर मेरा 67 मिला, लेकिन प्लस ये भी है 67, और फिर डिवाइडेड बाय कितना, 68। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 134, और 134 भागे 68 करोगे तो 1 टाइम डिवाइड जाएगा, और ये सब्ट्रैक्ट होके आने वाला है 66, जो ऑप्शन नंबर सी में है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, 125 के पावर 120 / 124 तो शेष फल क्या आएगा। देखिए
125 भागे 120 डिवाइडेड बाय 124। देखिए कंसेप्ट समझते हैं। देखिए मेरा न्यूमरेटर है, ये मेरा डिनोमिनेटर है। चूंकि मेरा न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है किस से, डिनोमिनेटर से, और डिफरेंस कितना का है, एक का है। 125 और 124 में अंतर कितना का है, एक का है। तो यहां पर हम लोग बात किए थे कि चाहे पावर ऑड हो चाहे पावर इवेन हो, यहां पर देखिए कंसेप्ट है। यहां पर देखिए चाहे अगर ऊपर बड़ा हो नीचे छोटा हो तो पावर मेरा चाहे ऑड हो चाहे इवेन हो हमेशा ऑलवेज रिमाइंडर वन आता है। देखिए तो हम लोग फॉर्मूला से हम लोग खुद से भी बना सकते हैं। अगर हम 124 से 125 में भाग देंगे तो वन टाइम भाग जाएगा, और वन के पावर कितना है 120, तो आंसर आएगा एक। मैंने दूसरा तरीका से बताया, ऐसे आप फॉर्मूला डायरेक्ट बना सकते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 16, 125 के पावर 223 भागे 124, कह रहा कि 125 के भागे है 223 अपॉन 124। फिर वही बात, ऊपर मेरा ज्यादा है नीचे मेरा छोटा है, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, डिफरेंस कितना का है, एक का है। तो हम लोग कंसेप्ट में देखे थे कि अगर ऊपर बड़ा हो नीचे छोटा हो तो हमें ऊपर चाहे ऑड हो चाहे इवेन हो, इस स्थिति में रिमाइंडर ऑलवेज कितना आता है, वन आता है। और नहीं तो फिर आप भाग लगा के भी देख सकते हैं, 125 में 124 से भाग देंगे तो एक शेष आएगा, और फिर एक के पावर 223 तो एक को कितना बार भी गुना करेंगे तो एक ही आएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 124 भागे 124 टू दी पावर 123 है, 124 टू दी पावर 123 है डिवाइडेड बाय 125। यहां पर थोड़ा सा बात समझने वाली है, क्योंकि यहां पर न्यूमरेटर जो है लेस है किस डिनोमिनेटर से, यहां पर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। तो फॉर्मूला में हम लोग बात किए कि जब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है और पावर क्या है, ऑड है, पावर ऑड है, तो इस स्थिति में सेम नंबर होता है, माने 124 ही क्या हो जाएगा, आंसर रिमाइंडर होगा। और नहीं तो फिर अगर खुद से बनाएंगे बेसिक बिना फार्मूला का समझ से इसको बनाएंगे, तो आप 124 में 125 से भाग दीजिए, तो 124 से 125 में भाग देंगे तो माइनस वन आएगा। इसके बाद पावर है 123 मतलब ऑड है, माइनस वन को आप ऑड टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन आएगा, और कभी भी माइनस में रिमाइंडर नहीं होता है। जब भी माइनस वन रिमाइंडर आएगा तो जो भी डिवीजर है जिससे आप भाग दे रहे हैं उसमें उसको आप ऐड कर दीजिए, तो माइनस वन प्लस 124 यानी आना है कितना, 124 रिमाइंडर होगा। तो दूसरा तरीका था जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। और क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता, और भागफल से विभाजित करने पर और भागफल को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, तो उसी संख्या को, देखिए सवाल बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसको थोड़ा सा समझने वाली बात है। कहना कह रहा है कि एक संख्या है जो हमको पता नहीं है, और उस संख्या में कितना से भाग दे रहा है, उस संख्या में भाग दिया 13 से, तो रिमाइंडर आया कितना, एक। कितना है रिमाइंडर आया उसका, एक। और फिर कह रहा कि भागफल को पता, तो कुछ भी भागफल आया होगा, मान लीजिए कि भागफल y आया, 13 से x में भाग दिए तो y भाग आया और शेषफल कितना आया, एक। फिर इसी भागफल में, फिर इस भागफल में यानी y में फिर 5 से भाग देने के लिए बोल रहा है, तो उस स्थिति में रिमाइंडर कितना आया है, 3। तो फिर यहां पर कुछ मान लीजिए कि y में आप 5 से भाग देंगे तो कुछ भागफल आएगा, और भागफल को हम मान लिए जेड। तो कह रहा है कि हमको उस पहले तो संख्या बताओ, पहले संख्या निकालेंगे x, और फिर उसमें हम लोग 65 से भाग देकर उसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके लिए हम एक चीज थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं, चूंकि जेड मेरा क्या है, भागफल, और भागफल कभी जीरो नहीं होता है, ऐसा कोई x का मान एक नहीं है, ऐसा x के मान अनगिनत मान होगा, लेकिन हम लोग x का सबसे मिनिमम वैल्यू पर इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। जब ये भागफल में फिर भाग देने की बात करेगा तो अंत में z का मान जीरो कभी नहीं हो सकता, तो आप z का मान एक लेकर इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम z के मान एक ले, दो भी लेंगे तो भी सवाल बनेगा, तीन भी लेंगे तो भी बनेगा, फिलहाल हम z बराबर 1 लेकर बना रहे हैं। और आप लोग जानते हैं भाज्य का रूल कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल और प्लस क्या होता है, शेषफल। बस वही रूल को अप्लाई कीजिए, प्रश्न आपके सामने बन जाएगा।
तो जेड के मान वन लेंगे तो वाई कितना हो जाएगा, पांच एकम पांच और तीन आठ, भाज्य भाज्य ये है भाजक गुने भागफल, पांच एकम पांच और तीन आठ हो जाएगा। अगर हम इसका मान निकाले एक्स का तो तेरह बार चलोत्तर से 104 और फिर शेष एक जोड़ेंगे तो एक्स का मान यहां से हमको कितना मिल जाएगा 105। और फिर वो बोल रहा है कि 105 में अगर हम लोग 65 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, 65 से भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा और उस स्थिति में रिमाइंडर आएगा 40। ठीक है, और ये जो ऑप्शन नंबर हमको सी में दिख रहा है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये आपका अपना चैनल प्रतिज्ञा कंपटीशन डाल्टनगंज को आप थोड़ा आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।